गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स हाव एंडलकम यू ऑल टू बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुंदर नगर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुंदरनगर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल सुंदर नगर में आप सबका हार्दिक स्वागत है माई सेल्फ निशा मिश्रा आई एम योअर क्लास टीचर एंड आई विल टीच यू इंग्लिश मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी और आपकी मैं क्लास टीचर हूं तो इंग्लिश का जो आज हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज माई सेल्फ हम आज माई सेल्फ पढ़ेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे इसके बारे में जानेंगे कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और आप अपने बारे में कैसे दूसरों को बताएंगे अपने आपको कैसे आप दूसरों के सामने इंट्रोड्यूस करवाएंगे ये हम यहाँ पे आज सीखेंगे माई सेल्फ अच्छा बेटा ये जो एक फॉर्मेट मैंने बनाया है इसको आप लोगों ने भरना है जैसे हम क्लास में इंट्रोडक्शन लेते हैं ना ये भी वैसे ही इंट्रोडक्शन है तो ये बिल्कुल ऐसे ही होमवर्क करके इसमें जो ये डैश दिए हुए हैं जो भी ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे ये ये जो डैश है ये अभी हम करेंगे यहाँ पे तो आपने ये फिलअप करके इसकी फोटो लेके ये होमवर्क होगा आपका इसकी फोटो लेके फिर मुझे व्हाट्सएप पे वो सेंड करना है आपने ओके सो लेट्स स्टार्ट माय नेम इज़ जो भी आपका नाम है फॉर एग्जांपल आपका नाम सपोज सपोज आपका नाम जो भी है जैसे अनिल है माय नेम इज अनिल अनुज पार्थ विकी कल विकी आया था ना एडमिशन लेने <laughs> हाँ. so, आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे और एक बात और लिखने से पहले ये मैं आपको जो यहाँ पे लिख के दे रही हूं ये डिजिटल बोर्ड है और डिजिटल पेन है इसमें राइटिंग सुंदर नहीं आती है मतलब इतना अच्छा नहीं लिख, लिखा जा सकता इससे लेकिन आप बच्चे कॉपी पे बहुत सुंदर राइटिंग में लिखेंगे और साफ सुथरा होमवर्क करेंगे मैं कंपटीशन करवाऊंगी करूं, आप लोगों का जो बच्चा पूरे महीने में जो जिन तीन बच्चों का काम सबसे बेस्ट होगा उसको प्राइज दिया जाएगा और ऐसा नहीं कि तीन ही बच्चे अगर सारी क्लास बहुत सुंदर होमवर्क करती है तो पूरी की पूरी क्लास को प्राइज दिए जाएंगे ओके आई एम डैश ईयर ओल्ड जो भी जितने भी साल के आप है फॉर एग्जाम्पल यू आर एट ईयर्स ओल्ड तो आप लिखेंगे आई एम एट ईयर्स ओल्ड अगर आप नाइन ईयर्स के हैं तो आई एम नाइन ईयर्स ओल्ड मैं नौ साल का हूं आई लिव इन सुंदर नगर सुंदर नगर आप कहा रहते हैं सुंदर नगर में वी आर अ फैमिली ऑफ डैश मेंबर्स आपकी फैमिली में अगर चार हैं तो आप चार लिखो अगर पांच हैं, तो पांच लिखो फॉर एग्जांपल आप आपके भाई या बहन जो भी है दो आप दो आपके माता पिता मम्मी पापा या साथ में दादा रहते हैं दादी रहते हैं अगर दोनों दादा दादी दोनों रहते हैं तो सिक्स फैमिली मेंबर्स या जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी आप संख्या यहाँ पे लिख देंगे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सो so, मैं यहाँ पे फोर लिख रही हूं आप अपने हिसाब से लिख लेना वी आर अ फैमिली ऑफ फोर में हम चार सदस्यों की की फैमिली है या मतलब हमारा हमारे परिवार में चार सदस्य है माई मदर इज ए जो भी आपके मम्मा है टीचर हैं या कोई दुकान चलाते हैं या कोई और काम करते हैं जो भी है आप वो प्रोफेशन इसमें लिख सकते हैं अगर हाउसवाइफ है घर का काम करते हैं तो हाउस Wife, my mother is a house wife. Okay. my father is a jo bhi aapke जो भी आपके पापा काम करते हैं likhte बच्चे क्या लिखते हैं a teacher, my my mother is a teacher, my father is a doctor. जरूरी नहीं है सबके मम्मी पापा डॉक्टर और टीचर ही हो आपने जो आपके पापा करते हैं या मम्मा काम करते हैं वो आपने लिखना है फॉर एग्जाम्पल किसी के पापा फार्मर है सो यू कैन राइट फार्मर हियर फार्मर माई फादर इज ए शॉपकीपर अगर कोई दुकान चलाता है तो आप शॉपकीपर लिख दो या फिर कोई और बिजनेस चलाते हैं तो माई फादर इज ए बिजनेस मैन नेक्स्ट आई स्टडी इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज सुंदर नगर मैं कहा पढ़ता हूँ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल सुंदरनगर में आई रीड इन सिक्स क्लास किस क्लास में एडमिशन लिया आपने Six में, है ना तो मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूं मिसेज निशा मिश्रा इज माई क्लास टीचर इज निशा मिश्रा आई एम निशा मिश्रा आई एम योर क्लास टीचर मतलब आप जब इंट्रोड्यूस करोगे तो मिसेज श्रीमती निशा मिश्रा मेरी क्लास टीचर है शी टीच इज इंग्लिश क्या पढ़ाती हूँ मैं आपको क्या पढ़ाती हूँ इंग्लिश वो हमें इंग्लिश पढ़ाती हैं रीडिंग बुक्स इज माई हॉबीटिंग हॉबी मेरी हॉबी क्या है किताबें पढ़ना आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माई टीचर्स एंड माई पेरेंट्स रिस्पेक्ट होता है सम्मान करना सॉरी सम्मान मैं किसका सम्मान करता हूँ हमेशा ऑलवेज मीन हमेशा मैं हमेशा अपने टीचर्स का और अपने पेरेंट्स का पेरेंट्स मीन्स परिवार जो मेरे माता पिता हैं मैं उन हमेशा उनका सम्मान करता हूँ आई लाइक टू वॉच कार्टून्स मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है कोई बच्चा ऐसा बोलेगा मैं अपने बारे में नहीं बोल रही हूँ आपके बारे में बोल रही हूँ कोई बच्चा ऐसा बोल सकता है कि आई डोंट लाइक टू वॉच कार्टून्स नहीं ना सबको पसंद है ना कार्टून okay. कोई डोरेमोन देखना पसंद करता है कोई निंजा हटोरी देखना पसंद करता है और पता नहीं क्या क्या पता नहीं क्या क्या कार्टून तो को ये कार्टून्स बहुत पसंद है तो आप लिख सकते हो इसमें है ना तो मुझे कार्टून देखना पसंद है आई डिसलाइक डिसऑनेस्ट पीपल हे द मीनिंग ऑफ ना पसंद ना पसंद मतलब जिसे आप पसंद नहीं करते हैं डिसऑनेस्ट क्या होता है ऑनेस्ट क्या होता है ईमानदार तो डिसऑनेस्ट क्या हुआ उसका उल्टा बेईमान किसी को पसंद है बेईमान लोग नहीं मुझे सुनाई दिया आप लोगों ने कहा नो no, मैम और मैंने सुन लिया सो पीपल मींस लोग मुझे बेईमान लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो ये था इस पे आप दस लाइनें भी लिख सकते हो अगर आपने छोटा लिखना है तो आप दस लाइनें भी कर सकते हो वैसे मैंने पंद्रह लाइनें इसमें आपके लिए ऐड की हैं। तो ये था आपका माई सेल्फ हाउ टू टू हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और होमवर्क है आपका आपने ये फॉर्मेट ये जो आपको माई सेल्फ लिखवाया है इसको आपने कॉपी पे करना है अपनी नोटबुक पे करना है अगर किसी बच्चे के पास नोटबुक नहीं है तो वो बच्चा किसी दूसरी रफ कॉपी पे किसी भी और कॉपी पे होमवर्क कर सकता है और आजकल बुक्स तो पिछले कल बुक्स तो सब बच्चों को मिल गई नोटबुक्स मंडे और थर्सडे को मिलती है अगर कोई बच्चा ऐसा है मेरी क्लास में जो नोटबुक्स नहीं खरीद सकता है तो प्लीज मुझे बताना मेरे व्हाट्सएप मुझे पर्सनली मुझे मैसेज कर देना मैं उसको नोटबुक्स लेके दे दूंगी लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए है ना और अपने माँ बाप को भी अपने मम्मी पापा को भी अपने तंग नहीं करना है किसी चीज के लिए कि मुझे ये ला के दो वो लाके दो जितने से आपकी जरूरतें होंगी आपके पेरेंट्स उसको जरूर पूरी करेंगे जितने से उनकी कैपेसिटी होगी लेकिन आप लोगों ने फालतू की कोई डिमांड नहीं करनी है आपको पढ़ाई से रिलेटेड जैसे नोट्स नोटबुक्स हो गई कलर्स हो गए कुछ और और भी जो भी स्टेशनरी का सामान है अगर ये लेना है और पेरेंट्स नहीं लेके ले दे सकते तो मुझे बताना मैं लेके दे ठीक है नेक्स्ट वीडियो हम कल देखेंगे किसी और टॉपिक पे टिल देन गुड बाय